हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि UPSI की फ़ाइनल आंसर की आ चुकी है। अभी 2-3 घंटे ही हुए हैं आए हुए, तो आप लोग उसमें जाके चेक कर सकते हैं। पर जो रिट दायर हुई थी हाई कोर्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन मिला है कि 46 क्वेश्चन पे जनरल मार्किंग होगी, मतलब सबको उस पर फुल मार्क दिए जाएंगे, 6 FM होगा, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं कुछ में ऑप्शन बदले भी गए हैं, तो वो टोटल 105 क्वेश्चन जो हैं उनमें फेर बदल किया गया है। तो इस तरह से आप लोग जाके उसको चेक कर सकते हैं और वहाँ से अपना मिला भी सकते हैं। दूसरी बात है कि सबसे बड़ा जो सस्पेंस है कि रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट दोस्तों बस ये आप मान के चलिए कल परसों में आ जाएगा। रिजल्ट में अब देरी नहीं है, और जहाँ तक ही कल शाम तक ही आ जाए। और रही बात रिजल्ट आपका जल्दी ही आ जाएगा, तो आप लोग दौड़ लगाते रहिए। और DBPST की जो नोटिस वायरल हो रही है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका DBPST कब होगा, तो वो भी आप देख लीजिए। और आपका कंफर्म है कि ये जो नोटिस वायरल हो रही है बिल्कुल सही है, आपका 25 तारीख से DBPST शुरू है। आइए देखते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो है ये सब जगह सर्कुलेट हुआ है, जो भी जोनल इंचार्ज है उनके पास। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा के संपादन विषय दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। परीक्षा का नाम UPSI 9534 भर्ती को ही बताया गया है इसमें। दूसरा है परीक्षा की अवधि कब से है, तो 25 अप्रैल 2022 से 7 मई 2022 तक। तो आपका जो DBPST शुरू है ये 25 अप्रैल 2022 से लेके और 7 मई 2022 तक आपका DBPST कराया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए। दूसरी नोटिस जो इसका दूसरा पेज है वो ये है, थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाया है क्योंकि ये फ़ोटो लिया है मैंने, तो ये क्लियर नहीं आ पाया है। बट ये है कि आप थोड़ा सा जूम करके पढ़ेंगे तो उसमें अपने टेलीग्राम लिंक भी डाल दे रहा हूँ, तो ये साफ साफ दिखाई देगा। तो ये DBPST की नोटिस है। मेन जो डेट हमें पता करनी थी वो पता चल चुकी है, ये है 25 अप्रैल से लेकर 7 मई तक आपका DBPST होगा, ठीक है। दोस्तों तो ये वीडियो शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के पास। रिजल्ट आपका कल या परसों में आ जाएगा, जहाँ तक है कि मैक्सिमम चांसेस है कल शाम तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू। और दूसरी बात यह है कि जो ये आंसर की है इसके नीचे लिखा हुआ है साफ साफ कि यही फाइनल आंसर की है, इसके बाद कोई और आंसर की नहीं आएगी, सीधे आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। थैंक यू।